अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक मज़े में होंगे। तो इस टाइम हम लोग बैठे हुए हैं जी अपने नए प्रोजेक्ट के अंदर। नया प्रोजेक्ट हम लोगों का होंडा सिविक 1999 मॉडल है, जिसको ईके बोलते हैं। और ये क्या हमने क्यों लिए, कब लिए, सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। ईएस हम लोगों ने सेल कर दी थी, तो वो भी मैं आप लोगों को चल के चेक कराता हूँ किसको हमने सेल की है। तो सारा कुछ मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। बाहर से पहले मैं आप लोगों को गाड़ी चेक कराता हूँ अपनी। ये गाड़ी आप लोग चेक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक गाड़ी जो है वो जेन्युइन है। एक इस फेंडर पे और इस वाले दरवाजे पे थोड़ी टिचिंग है। ये हम लोग अभी जा रहे हैं डेंटर के पास, सेट कराना है हम लोगों ने। ये मैकेनिकली गाड़ी में इतना कोई ख़ास काम नहीं है, बस डेंटिंग का हल्की फुल्की गाड़ी में। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जाएँगे डेंटर के, तो डेंटर को देंगे, ये डेंटर से सेट कराएँगे और फ्रंट बैक इसके बम्पर पेंट होंगे। उसके बाद जी ये आप लोग चेक करेंगे जेन्युइन पेंट में अभी तक अपने। ये हम लोग शावर करवाएंगे, मे भी कि हम लोग गाड़ी रैप ही करवा दें किसी और कलर में। ये टोटल गाड़ी है, आप लोग चेक करें। अलॉय व्हील इसके अंदर लगे हुए BBS के 16 इंच 8.5 JJ। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। तो ये गाड़ी हमने एक मेन मकसद के लिए ली है। वो मकसद क्या है वो मैं आप लोगों को अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे इंशाल्लाह चल के आप लोगों को पता लग जाएगा। तो हमने इस वजह से जल्दी में अपनी ईएस सेल की है और ईके हम लोगों ने उठाई है जल्दी से, तो किसी मकसद के लिए ली है। तो मैं इंशाल्लाह वो मकसद आप लोगों को आगे चल के बताऊँगा। अभी फ़िलहाल जाते हैं डेंटर के पास। अगर तो डेंटर ने आज काम शुरू कर दिया तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी में हम लोग आज स्ट्रेट पाइपिंग करवाएंगे, क्योंकि गाड़ी अभी तक बिल्कुल स्टॉक हालत में, कोई एग्जॉस्ट वगैरह नहीं लगा हुआ। अभी फिलहाल जाते हैं डेंटर के पास, देखते हैं डेंटर क्या कहता है हमें। जी हम लोग जा रहे हैं डेंटर के पास, देखते हैं डेंटर हम लोगों से आज गाड़ी लेता है या नहीं, क्योंकि अभी हम लोग लेट हो चुके हैं। 12:30 का टाइम है और आप लोगों को पता ही, डेंटर इस टाइम गाड़ियां खोल लेते हैं। वो कहते हैं कुछ पूछा मैंने कुछ नहीं जी, हमें जल्दी गाड़ियाँ दें। तो अगर तो डेंटर ने ना ली तो फिर हम लोग जाएंगे हमाद भाई के पास, अपनी गाड़ी में स्ट्रेट पाइपिंग करवाएंगे। तो उन्हीं को हमने अपनी गाड़ी भी सेल की है, ईएस जो थी हम लोगों के पास पहले वाली, वो हम लोगों ने हमाद भाई को ही सेल की है। तो जाते हैं अभी, और हमने ये गाड़ी विदाउट एयर सेल की है। एयर हम लोगों ने अभी उसमें से उतरवानी है, हो सकता है हम लोग इसमें लगवा लें, लेकिन इसमें हम कुछ ज़रा एयर से ऊपर का ही काम करेंगे। जो लोग समझ गए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस अभी हम लोग पहुँचने वाले डेंटर के, वहाँ पहुँच के मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या सीन है। हम लोगों ने गाड़ी इनको दे दी है और वो गाड़ी लगाने लगे शॉप पर। शाम तक इंशाल्लाह क्लियर करके हम ये गाड़ी दे देंगे, उसके बाद हम इसका पेंट का काम स्टार्ट करवाएंगे। ये हैंडल वगैरह है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं गाड़ी में पेंट होने वाली। इधर एक डेंट है बम्पर पे छोटा सा, ये सेट कराना है। ये हमने उनको बताया है, अभी वो लगाने लगे गाड़ी शॉप पे। अभी हम लोगों ने इसके गत्ते भी साथ ही खुलवा लिए थे, गत्तों की कोशिश ख़राब थी, वो भी हम लोग साथ ही कोशिश करवा रहे हैं। बकाया भी इसके बोनेट की तार डल रही है, पुरानी तार निकाली है उन्होंने, ये पुरानी तार है। गत्ते वगैरह खुल गए, गत्ते जैसे ही रेडी होते हैं मैं आप लोगों को वो भी चेक कराता हूँ। फिलहाल काम इसका शाम होगी, लेकिन अभी सिर्फ एक बोनेट की तार ही डाली है उन्होंने और शाम तक काम मुकाएंगे ये। तार का काम कंप्लीट हो गया इसकी, और अभी ये फेंडर की रगड़ाइयाँ शुरू कर दी इन्होंने, रचना शुरू कर दिया अभी इसको। वो ये फेंडर इन्होंने छील दिया है, पुराना रंग जो था अभी इसकी थोड़ी बॉर्डर है, डेंटिंग शेंटिंग जो भी इन्होंने सेट करना है उसको सेट करेंगे। यहाँ से थोड़ा ये सेट होगा नीचे से, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको दिन को कल हम रंग डलवाएंगे, क्योंकि अभी तो टाइम ही ख़त्म होगी, शाम होगी आप लोग देखें। तो कल हम धूप के टाइम इसको कलर डलवाएंगे इंशाल्लाह। इसकी डिग्गी में थोड़ी डेंटिंग थी इस साइड पे, ये आप लोग चेक करें, ये अभी ये सेट करानी है फ़िलहाल थोड़ी। अभी जी उस्ताद जी को याद आ गई हमारी, अभी इन्होंने गाड़ी का काम स्टार्ट कर दिया हमारी भी। अच्छा आपकी शिकायत लगा रहा हूँ ना। किसको? अबू को। अबे साले बस ये सब
गरीब बंदे नहीं जी, बड़ा क्यों सानू मार अच्छे बंदे जी, जबरदस्त बंदे जी। बस अभी डीकी का काम स्टार्ट किया, उसके बाद ये मड गार्ड पे जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को साथ साथ ये चेक कराता हूं। मैं आ रहा हूं, चाबी दे दे गाड़ी की। जो डिगी हम लोगों की सेट हो गई है और बस अब ये लाइट लगाने लगे, उधर वो फ्रंट का काम स्टार्ट करने लगे। The next day. लोगों का ये काम हो गया था कंप्लीट, हम लोग रात को गाड़ी घर ले गए थे, अभी दोबारा पेंटर के पास लेके आए हैं। डेंटर का काम तकरीबन कंप्लीट है, बस उसमें थोड़ा सा ये बम्पर सेट करना है, ये अंदर हुआ है, इसको बाहर करेंगे थोड़ा सा ना, तो उसके बाद पेंट का काम शुरू हो जाएगा हमारा। अभी पेंटर के पास आ गए हम, बाकी ये हो गया था सेट, बस दरवाजे में थोड़ा सा है फर्क, ये भी सेट कराएंगे डेंटर से। ये नंबर प्लेट इन्होंने उतारी है फ्रंट से, फेंडर की मंजाई मारी है, इसको एक माल लग गया, अभी फ्रंट बम्पर को इसको एक माल लगाने लगे, अभी फ्रंट बम्पर को रस लगाएंगे जो एक माल वगैरह होता है। ये बम्पर शम्पर को पुटीन लग गई है, इधर फेंडर को भी पुटीन लगा दी इन्होंने और बम्पर को भी पुटीन लग गई है। साथ साथ जो सेटिंग होती है मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ। का पिछला बम्पर भी रेडी हो गया पेंट के लिए, पुटीन वगैरह इसको लग गई है, रगड़ाइयाँ हो गई हैं इसकी भी, और फ्रंट फेंडर भी हम लोगों का रेडी है पेंट के लिए। अभी ये फेमस स्टार ने गत्ते खोले हुए हैं, गत्ते हम लोगों ने कराए थे कोशिश, इस वजह से हमने इसको अखबार चढ़ा दिया, क्योंकि अभी ये पेंट करेंगे तो अखबार जो पेंट होगा वो यहाँ पर ना आ जाए। ये आप लोग चेक करें कोशिश, अभी फ़िलहाल गंदी लग रही है, जब ये बराबर होगा ना ब्लैक फिर सही आएगा ये। हाँ जी शेड यही डालना है, ये वाला शेड डालना है, ये वाला, ये ब्लैक है डाल, हाँ ब्लैक, ये वाला शेड डालना है, तो ये डाल ब्लैक हो गया, इसको बस ये शेड डालना है। हाँ जी और बस फ्रंट बम्पर भी हम लोगों का तैयार है पेंट के लिए, उसके बाद ये साइड ये गुलाई सेट होगी, और ये चीज़ फुटबोर्ड जो होता है सारा, बस पेंट के लिए गाड़ी रेडी है। ये फ्रंट वाला जो था फेंडर हम लोगों का रफ वगैरह उसको लग गया, बिल्कुल पेंट के लिए अभी रेडी है फ्रंट सारा, लगेंगे स्टील के पट्टी है, लीजिए अब गाड़ी रेडी है, बस अब पेंट के लिए लगाया है इसको हमने, उधर हम लोगों का पेंट तैयार हो रहा है, अभी बस इसको पेंट डालने लगे, फिर मैं आप लोगों को साथ साथ चेक कराता हूँ। बेस वगैरह इसकी बड़ी प्यारी तैयार हो रही है, इसको कलर नहीं डल सका था क्योंकि एक तो लाइट चली गई थी, दूसरा लेट भी काफ़ी हो गए थे, तो ठंड का मौसम है, इस वजह से हमने कहा धूप में सुबह ही कलर डालेंगे। तो अभी बेस वगैरह सारी तैयार है, बस इसको पेपर अखबार करेंगे, इसके बाद रंग डालेंगे, मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ साथ साथ, बाकी सब चीज़ें रेडी हैं, बेस वगैरह हर चीज़ तैयार है। इस पेंट के काम से हम लोगों की गाड़ी फ्री हो गई थी, तो हमने सोचा इसकी ऑटो शो के लिए रूफ़ हम लोग ब्लैक रैप करवाते हैं, और साथ में स्पॉइलर भी हम लोगों ने लगवाना था, तो अभी हम लोग इधर आ चुके हैं और अभी इसका स्पॉइलर लगवाएंगे और इसके साथ ही रूफ़ हम लोग ब्लैक करवाएंगे,
और भी छोटे छोटे दो काम है, वो भी हम लोग अभी कराएंगे। मैं आप लोगों को साथ साथ चेक करवाता हूँ। अब ये अंदर देते हैं ताकि वो इसकी फिटिंग बनाएं, डबल टेप वगैरह लगाएं इस पर, लगा के फिर मैं चेक कराता हूँ आपको। बॉयज़ फाइनली आप लोग ये चेक करें जी, हम लोगों की छत ब्लैक हो गई है और गाड़ी माशाल्लाह बहुत मज़े की लुक दे रही है। छत ब्लैक करा के लेमिनेशन उतरी है इसकी, एक तो शाइन बहुत है, दूसरा सफाई से रैप की इन्होंने बहुत ज़्यादा, और बहुत मज़े की रैप हुई है। ये ब्लैक करा के लुक बहुत मज़े की है ये गाड़ी को। अब इसका स्पॉइलर लगवाते हैं फिर मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ।